तो शख्स आप सोचिए, सुबह आप ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हैं, आपकी गाड़ी में फ्यूल भराने की जरूरत है। आप देखते हैं आपके सबसे नजदीक फ्यूल स्टेशन में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। दिन के 2 घंटे तो ही खत्म हो गए। अब बात करते हैं फ्यूल कंपनीज की। भारत में 80,000 से भी ज्यादा पेट्रोल और सीएनजी पंप हैं। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद इन सीएनजी कंपनीज को बस इतना ही पता है कि उन्होंने दिन में कितने की गैस बेची। वो भी अगर कोई स्टेशन पर मैन्युअली नोट कर दे तो। इन कंपनीज को ये नहीं पता है कि कौन सी गाड़ियों में ये सीएनजी जा रही है, इन गाड़ियों की सिलेंडर की टेस्टिंग हो रखी है या नहीं, और क्या उस वक्त स्टेशन पे कोई अटेंडेंट मौजूद था या नहीं। बेसिकली एफिशिएंसी मेजर करने का तो कोई तरीका ही नहीं है। और यही छोटी छोटी इंफॉर्मेशन अगर हम इन कंपनीज को दे दें तो ये अपना बिजनेस और एफिशिएंटली मैनेज कर पाएंगे और इनका मुनाफा और बढ़ेगा। इसीलिए हम लाए हैं नवगति। नमस्कार शार्क्स, मैं हूं वैभव कौशिक, मैं हूं 24 साल का। मैं आलाप, मैं भी 24 साल का हूं। और मैं हूं आर्यन, मैं 23 साल का हूं। और हम हैं नवगति के फाउंडर्स और हम नोएडा से आए हैं। तो शार्क्स, नवगति एक ऐसा ऑनलाइन इकोसिस्टम है जो ग्राहक और कंपनीज दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है हमारे 2 प्रोडक्ट्स द्वारा। पहला नवगति फ्यूलिंग ऐप और आवेग डैशबोर्ड। तो आज की डेट में नवगति फ्यूलिंग ऐप ग्राहकों को अपने सबसे नज़दीकी स्टेशन पे कितनी भीड़ है, किस प्रकार के फ्यूल अवेलेबल हैं, वो बताती है ताकि उनका पैसा और समय दोनों चीज़ें बचे। हम इन फ्यूल कंपनीज को एक आवेग नामक डैशबोर्ड प्रोवाइड करते हैं एक सब्सक्रिप्शन मॉडल के थ्रू, जिस पर वो गाड़ियों की संख्या रियल टाइम में देख सकते हैं, अपने अटेंडेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं कौन सी गाड़ी या ग्राहक ने कितने का और कितना फ्यूल डलवाया है, ये भी पता कर सकते हैं। और ऐसी कई सारी हम की मेट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं इनको, जिनसे इनके बिजनेस का सेफ्टी और एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो पाए। तो आज नवगति ऑलरेडी भारत की सबसे बड़ी गैस कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस और भारत की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल के साथ काम कर रही है। इसके साथ साथ भारत के 13 और ऑयल और गैस कंपनीज के साथ भी काम शुरू किया जा रहा है। हमारी ऐप पर 6 लाख डाउनलोड्स हैं, जिसमें से 1.25 लाख मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। 15,000 लोग रोजाना हमारी ऐप 15 मिनट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल हमारी ऐप पर भारत के सभी सीएनजी स्टेशंस की लोकेशन देखी जा सकती है। इसी विजन को साकार करने के लिए आज हम आए आपके सामने 67 लाख की मांग रखने, अपनी कंपनी का 2% देने। तो शख्स, क्या आप तैयार हैं नवगति के साथ भारत के फ्यूल फिलिंग एक्सपीरियंस को फुलफिलिंग बनाने के लिए? तो वैभव, आलाप और आर्यन, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। यंग एंटरप्रेन्योर्स को देख के एक अलग एनर्जी आ जाती है हम शार्क्स में, सो वंडरफुल टू सी दैट। और ये नवगति का मतलब क्या होता है? नाव मतलब बोट। नवगति संस्कृत में मतलब है नेविगेशन। लेकिन वो तो वी के साथ हो गया भाई, डब्ल्यू के साथ तो स्पीड बोट ही होता है। देखो, आपको बोलना चाहिए बोट, ताकि है ना अमन एकदम इंटरेस्टेड हो जाएगा बोट सुनते ही। चेक लो, हम आपको आपका एक डेमो दिखाना चाहते हैं। डेमो दे दीजिए। तो शार्क्स, ये है हमारा कंज्यूमर फेसिंग नवगति फ्यूलिंग ऐप। ये ऐप हमारे कंज्यूमर्स को बताती है कि आसपास कितने स्टेशन हैं, वहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा और वहां पर पहुंचने के बाद कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो ये तो गूगल में सब आता है आजकल। तो हमें पता था कि ऐसा सवाल आने वाला है। क्या है कि गूगल की खुश हो गए, तो एक सवाल तो हम प्रिपेयर करके आए थे, वो पूछ ही लिया किसने। क्या है कि गूगल के केस में आप पक्का देख सकते हैं कि क्या स्टेशन है, लेकिन उसका आपको स्टेटस पता नहीं लगेगा कि क्या वेटिंग टाइम है। हमें पता है स्टेशन पे एग्जैक्टली कितनी भीड़ है। अब मान लेते रोड के सामने पार्किंग लॉट लगा हुआ है, लेकिन उसकी वजह से लगेगा कि यहाँ पे भीड़ है। ये पूरा गूगल मैप की एपीआई से बनाया है। हाँ, ट्रैफिक एपीआई तो डेफिनेटली है। आगे चलते हैं। तब आते हैं स्टार ऑफ द शो, जिससे एक्चुअली नवगति पैसा कमा रही है। अच्छा हुआ आपने बोल दिया स्टार ऑफ द शो, बिकॉज़ स्टार ऑफ द शो वही होगा, ये तो इवेंचुअली मैप में ही चला जाएगा। नवगति ऑयल और गैस कंपनीज के लिए आवेग डैशबोर्ड प्रोवाइड करती है, उसमें हम करते हैं सीसीटीवी और डिस्पेंसर से कंजेशन एंड कंप्लायंस मॉनिटरिंग। वेरी गुड। तो सीसीटीवी और डिस्पेंसर से जोड़ देते हैं अपने डिवाइस को।
पता लगता है कि अच्छा अभी ट्रांजैक्शन इतने का हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली आवेग में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं जो पीले रंग का आइकन है वो एक ऑटो रिक्शा है, जो गाड़ी का आइकन आपको दिख रहा है वो एक फोर व्हीलर है, जो पीछे आपको प्लस वन दिख रहा है मतलब एक गाड़ी उस डिस्पेंसर के पीछे लगी है, डिस्पेंसर मतलब वो यूनिट जिससे आपकी गाड़ी में पेट्रोल या गैस भरी जाती है। क्रॉस का हम बताते हैं, सीएनजी स्टेशन पे जाएंगे तो येलो कलर की पीले रंग की एक रॉड लगाते हैं सामने, क्योंकि जब नोजल गाड़ी में लगा है और गाड़ी मूव कर जाएगी सीएनजी बहुत कंबस्टेबल होती है, आग लगने की आशंका रहती है। यहाँ पे जिस स्टेशन पे हमने आपको दिखा रखा है ये स्टॉप साइन नहीं लगाते हैं, जो स्टॉपर है नहीं लगाते हैं, इस चक्कर में आपको क्रॉस दिख रहा है। तो कंपनीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन, बिल्कुल, क्योंकि ये एक एसओपी का पार्ट है। क्या कंपनी को कोई पेनल्टी लगती है अगर वो कंप्लाई नहीं करवाते हमारे? बिल्कुल। तो आप ओवरव्यू स्क्रीन पे जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ आज की डेट में किसी भी गैस कंपनी को पता है कि मैंने 1000 किलो गैस बेची है, वो भी अगर कोई मैनुअल एंट्री कर दे। हमने क्या किया है कि डिस्पेंसर से इंटीग्रेट किया है, सीसीटीवी से इंटीग्रेट किया है, हम बता सकते हैं कि उन्होंने इस 1000 किलो में से 50% ऑटो रिक्शा को गैस सप्लाई की है, 30% गाड़ियों को की है, 20% हैवी मोटर व्हीकल को की है। अब मैं आपको पॉइंट वाइज यूटिलाइजेशन दिखाता हूँ। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा पास आके देख रहा हूं। हाँ जी, बिल्कुल समझना चाह रहा हूं इसको। आइए, तो पॉइंट वाइज यूटिलाइजेशन में आपको दिख सकता है कि 10 से 15% तक कुछ नोजल्स यूज हो रहे हैं, बाकी का टाइम पेमेंट्स में वेस्ट हो रहा है या गाड़ी का बोनट खोलने में वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे कंपनी अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकती है कि ये वाला टाइम हम कैसे घटा सकते हैं। तो आप सीएनजी गाड़ियों में 3 साल में हाइड्रो टेस्टिंग होती है, अगर हाइड्रो टेस्टिंग नहीं कराई है तो सीएनजी स्टेशन पे एक्सप्लोजन होने के चांसेस रहते हैं। एक बार सिलेंडर एक्सप्लोड हुआ 6 महीने के लिए स्टेशन बंद है, कंपनी को 2 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। लेकिन हर बार सीएनजी के गाड़ी में मेटल प्लेट चेक करना पॉसिबल नहीं होता है, लोग करते भी नहीं है। हमने क्या किया, हमने पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पेसो के डेटाबेस से लिंक करके बता देते हैं गाड़ी एंटर करेगी, बाहर वाले कैमरा से हम लाइसेंस प्लेट ट्रैक करते हैं, 2 सेकंड के अंदर अंदर स्टेशन ऑपरेटर को मैसेज चला जाएगा कि गाड़ी फ्यूल करने के लिए पास है या फेल है। वेरी नाइस। पैसे कैसे कमाते हो? तो आवेग ऑफरिंग जो है वो सब्सक्रिप्शन मॉडल के थ्रू लाइव है। हर ऑयल कंपनी, हर गैस कंपनी के साथ हम हर स्टेशन हर महीने हम उनसे कुछ फिक्स पैसा लेते हैं। क्या है वो अमाउंट? तो रेंज रहती है 5,000 से 25,000 रुपए की पर स्टेशन पर मंथ। और रेंज क्यों? तो अलग अलग फीचर्स हैं, हमने आपको बताया कंजेशन के लिए उनको जानना है वेटिंग टाइम क्या है, एक रेट है। अगर उनको जानना हाइड्रो टेस्टिंग हुई है या नहीं हुई है, एक रेट है। अगर उनको ट्रांजैक्शन भी लिंक करके चाहिए, एक रेट है। स्टेशन वालों से? ये हम कंपनी से लेते हैं। कंपनी से ले? कंपनी से। पेट्रोल पंप ओनर नहीं दे रहा? पेट्रोल पंप ओनर भी देगा, हम उनके देगा, भी दे नहीं रहा अभी तो बस कंपनी दे। ठीक है, और कंज्यूमर से कोई लेना देना? कंज्यूमर से 6 महीने के लिए फ्री, और उसके बाद वो भी पैसे देगा? वो भी पैसे देंगे। पेट्रोल पंप ओनर और कस्टमर आपको क्यों पैसे देंगे? मैं बताऊं किसके लिए देंगे? आपको क्यों देंगे? वो जो 2 करोड़ तू बचाता है ना, उनके जो कंप्लायंस है ना, वो अकेले उसके लिए देंगे। और कंज्यूमर्स पैसा दे रहे हैं? कंज्यूमर्स अभी शुरू नहीं हुए और देंगे भी नहीं। मैं बताऊं किस बात का देंगे? कंज्यूमर्स नहीं देंगे। हाँ, जो सीएनजी कंज्यूमर है ना, उसका माइंडसेट समझो, वो वैसे ही पैसे बचा रहा है, वो वैसी गाड़ी वो खरीद रहा है, कितना देती है। और टैक्सी ड्राइवर स्पेसिफिकली मुश्किल है। सीएनजी में 2 प्राइमरी सेगमेंट है, प्राइवेट और कमर्शियल। कमर्शियल के लिए तो यस, वो एक ऐप के लिए पैसे शायद ना दे, बट उनकी जो फ्लीट ऑपरेटर है वो शायद कोई प्लान ले ले, शायद कोई प्लान ले ले। चलो भाई, आपका आपका बिजनेस के शायद उसके बिना ही बनता है भाई, गोइंग इनटू क्विकसैंड यार। या। अभी रेवेन्यू कितना है यार आपका महीने का? इस महीने हम लगभग 4 लाख रुपए का मंथली बिलिंग होगा, इसके साथ साथ इस फाइनेंशियल ईयर हम 2.5 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी पायलट से मटेरियलाइज हो रहे हैं। कहां से हो रहे हैं? IGL, इंडियन ऑयल, महानगर गैस, गुजरात गैस, साबरमती गैस, ऑल ऑफ दीस कंपनीज। 23-24 में कितना होगा रेवेन्यू? 20x, 50 करोड़। 50 करोड़? यस। कैसे हो जाएगा? तो क्या है कि जो भी हम अभी डिप्लॉयमेंट, जैसे हमने आपको बताया कि कंपनीज के साथ डायरेक्टली कर रहे हैं, शुरुआत में क्या होता है कंपनी 5 स्टेशन 10 स्टेशन देती है, फिर जैसे जैसे रोल आउट होता चला जाता है 1,000 स्टेशन 2,000 स्टेशन। पर एक बार आएंगे जब 1-2 कंपनियों ने फुल इंप्लीमेंटेशन कर दिया, फिर ग्रोथ कहां से आएगी बिजनेस में? 80,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप सभी हैं, ये नंबर 1,25,000 तक जाएगा 2025 तक। अज्यूमिंग सब आपका सोल्यूशन लगाते हैं,
कब तक कोई और ये लॉन्च कर देगा 2000 रुपए पर स्टेशन पे, तो वो स्विच मार जाएंगे 5000 की जगह। क्या हम एक बहुत बढ़िया रिलेशन मेंटेन करके चल रहे हैं? कंज्यूमर जो है ना, चाहे वो पेट्रोल पंप है, वो किसी के लॉयल नहीं होते। आप बार बार कह रहे हैं हम रिलेशनशिप बना लेंगे, जब आप जो चीज 5000 लेंगे, जब उसको मैं 500 रुपए में दूंगा, तो वो रिलेशनशिप किस तरफ रहेगी? और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ रहेगा। तो आप इसमें ऐसा क्या डिफेंसिबल कर रहे हैं कि कोई और आके आपको कंपटीशन नहीं देगा? क्या है कि ये जो फ्यूलिंग वाला डेटा है, ये डेटा किसी के पास नहीं है। इसमें डिफेंसिबल क्या है? मतलब अगर कल को मैं कोई कंपनी शुरू करता हूँ, तो मैं भी जाके आपसे कम्पीट कर सकता हूँ ना। 4 CCTV सॉफ्टवेयर के जो हार्डवेयर है, उसका जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में, मैं उसमें अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूंगा, यही ट्रैकिंग आ जाएगी, मैं भी डैशबोर्ड बना दूंगा। आपके इक्विटी स्प्लिट क्या है? 35-29-23। बाकी हम सीड राउंड रेज कर रहे हैं, 1.8 crores ऑलरेडी आ चुका है। क्या वैल्यूएशन पे? 33 crores, जो हम आपसे मांगने आए हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ अब कुछ एक कंसोर्टियम ऑफ एंजल्स है, जिसमें टेक कंपनीज के फॉर्मर लीडरशिप हैं, वो आ रहे हैं। उन्होंने 80 लाख रुपए आज सुबह ही कंफर्म किया है। अच्छा, और पैसे बना रहे हो, गवा रहे हो? अभी हम पहली बार बिल कर रहे हैं, तो अभी तक तो पैसा गवाया ही है। तो इनका पूछने का मतलब आपका मंथली बर्न कितना है अभी? अभी 6 लाख रुपए बर्न कर रहे हैं। ये नंबर 15 लाख तक जाएगा अगले 2 महीने में। क्यों जाएगा? हम 4 और टेक एम्प्लॉयज हायर करना चाह रहे हैं, और ऑपरेशंस बढ़ाने के लिए कुछ पार्ट आउटसोर्स करना चाह रहे हैं, और कुछ लोगों को हायर करना चाह रहे हैं। दिस नवगति ऐप जो एक कंज्यूमर सेंट्रिक ऐप है, राइट? और मुझे नहीं लगता है कि कंज्यूमर्स इसके लिए पे करेंगे। आई एम नॉट एबल टू अप्रिशिएट, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मुझे पर्सनली इंटरेस्ट होता अगर कोई इसमें टेक मोट होता, बिकॉज ऑपरेशनल मोट में कंपनीज और आ जाएंगी, तो मैं इससे बाहर हुआ आज, बट आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप ओलिगोपोली का मतलब जानते हो? जहां एक सेट ऑफ स्मॉल सेट ऑफ कंपनीज, स्मॉल सेट ऑफ कंपनीज कंट्रोल द मार्केट। तो यहां तो सिर्फ ओलिगोपोली नहीं है, गवर्नमेंट ओलिगोपोली है। यस। वहां से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। मैंने एक कंपनी बनाई थी, हम गवर्नमेंट कंपनीज को बेचते थे माल, लाइन में खड़े खड़े रह के मेरी हालत खराब हो गई, वो कंपनी को बंद करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल काम है, तो इस वजह से मैं आउट हूँ। लेकिन मेरी एक एडवाइस होगी आपसे, टू एग्रीगेट मैसिव नंबर ऑफ यूजर्स, बाकी आपके ऊपर है। आई विश यू द बेस्ट, रिसर्च द कंज्यूमर एंगल, बिकॉज आप जब लेके जाएंगे ना 1 करोड़ यूजर, तब जाके आपका काम बनेगा। ठीक है, तो हमारा ऑफर है कि हम 2 लोग आएंगे, 66 lakhs, बट वी वांट 4%। बट जो ऑलरेडी हम राउंड रेस कर रहे हैं, जो भाई सुन, मेरी आज भी ना मम्मी जब वो खरीदती है ना सब्जी, तो धनिया फ्री मिलता है। हमारे खून में है नेगोशिएशन। कुछ तो गुंजाइश रख के आना पड़ेगा। अच्छा बताइए, डिसीजन क्या है? थैंक यू फॉर द ऑफर, हम आपको एक काउंटर ऑफर देना चाहेंगे। ओहो, हाँ बोलो बोलो। 67 lakh फॉर 2.5%। नहीं यार, पता क्यों? मैं देखो बताता हूँ यार, देख डाउटफुल बिजनेस है, या तो ये हिट होगा या मिस होगा। तुम्हारी एम्बिशन जो तुमने बोला अगले साल 50 करोड़ की है ना, थोड़ी अनरियलिस्टिक है, बट क्या पता तुम कर लो। तो तुम हमारे को यू नो छोटी चीज के लिए लूज मत कर। फिर अमाउंट बढ़ा सकते हैं? क्या करेगा इतने पैसों का, थोड़ा सा नेगोशिएशन दोनों तरफ से होना चाहिए। चल ठीक है, तू नेगोशिएट कर रहा है तो क्लोज करते हैं। अब मैं लास्ट फिगर बोलूंगा वरना मैं उठ जाऊंगा। ठीक है, 3% 66%। डन है, डन। तो लेके आया था। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। 23 years, amazing man, amazing. 23 साल में तुम लोग यार क्या क्या फोड़ रहे हो इंडिया में। चलो, गुड जॉब गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। नॉर्मली मैं बोलता हूँ आग लगा देंगे, आज नहीं बोलूंगा। फ्यूल है, वही नहीं लगानी है। फ्यूल पंप बिल्कुल भी नहीं। आग बचा लेंगे, आग बचा लेंगे। That's a good one.